हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, माय सेल्फ राजकुमार। फ्रेंड्स, फिर से हम बात करेंगे एक ऐसे स्क्रिप्ट की जिसका कि एक बेहतरीन एप्रोच बाइंग लेवल आया हुआ है, जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपको शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। फ्रेंड्स, मेरे चैनल इसी चीज़ के लिए फेमस है कि मैं एप्रोच बाइंग लेवल स्क्रिप्ट ढूंढ करके आपको बताता हूँ, ताकि डाउनफॉल कम आए और आपको शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न मिले और लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में भी अच्छा रिटर्न मिले आपको। ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहती है। तो फ्रेंड्स, आइए हम एक और स्क्रिप्ट की बात करते हैं, DCM। फ्रेंड्स, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 90 करोड़ के आसपास है। 700 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इसमें काम करते हैं। और फ्रेंड्स, इसका जो 52 वीक हाई है वो 146 है और 52 वीक लो 43, और इस वक्त ये 46-47 पे बाइंग के लिए अवेलेबल है, यानी कि 70% से भी ज़्यादा की डाउनफॉल इस स्क्रिप्ट में आ चुकी है। डाउनफॉल आने का कारण मैं बताता हूँ आपको कि इस कंपनी की जो टर्नओवर है, जो सेल्स है, पिछले साल के जो 4 क्वार्टर से उनकी वो इम्प्रूवमेंट पे है। फर्स्ट क्वार्टर में 15 करोड़, सेकंड क्वार्टर में 16 करोड़, थर्ड क्वार्टर में 18 करोड़ और फोर्थ क्वार्टर में 19 करोड़। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स में कुछ रिवर्स और फिर वापस रिवर्स, ऐसी पोजीशन आ गई। कैसे? मेरे कहने का मतलब क्या है आप समझ लीजिए कि लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में जो कंपनी का नेट इनकम है वो 10.5 करोड़, सेकंड क्वार्टर में नेट इनकम 7.5 करोड़, थर्ड क्वार्टर में 83 लाख, यानी कि प्रॉफिट अर्श से सीधे फर्श पर, यानी कि 10% तक की, मतलब कि 90% तक का डाउनफॉल प्रॉफिट में। अगर हम 10.5 करोड़ देखते हैं फर्स्ट क्वार्टर में और फिर थर्ड क्वार्टर में देखते हैं 83 लाख, तो आप ही देख लीजिए 90% से ज़्यादा की गिरावट हो गई नेट इनकम में। और वापस से फोर्थ क्वार्टर देखिए, वापस से फोर्थ क्वार्टर में 10.5 करोड़ की नेट इनकम वापस से, मतलब मैंने कहा ना रिवर्स डाउन और फिर रिवर्स अपवर्ड। और फ्रेंड्स, आने वाला जो क्वार्टर है इसमें भी मुझे बेहतर प्रॉफिट की उम्मीद है, और शेयर 70% से ज़्यादा का डाउनफॉल ले चुका है और 52 वीक लो से अगर हम देखें 43 से 146 गया, तो अपने इन्वेस्टर्स को इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। रिटर्न भी जो दिया है वो ज़बरदस्त दिया है, और वापस से रिटर्न देने के लिए कैपिटल बैंक लेवल पे मौजूद है ये स्क्रिप्ट। तो फ्रेंड्स, आप भी रिसर्च एनालाइज पूरा कर लें, जो बात मैंने आपको बताई है उसको पर एनालाइज करें, रिसर्च करें। कंपनी का जो नाम है DCM, दिल्ली क्लोथ एंड मिल, इसकी 3 सब्सिडरीज कंपनी और भी है, DCM टेक्सटाइल, DCM इंजीनियरिंग एंड DCM डाटा सिस्टम। तो फ्रेंड्स, मजबूती दिखाई देती है मुझे, इसलिए मैं शेयर आपको बता रहा हूँ, और आप भी अपना रिसर्च एनालाइज पूरा करके इसमें मेरी बताई हुई बातों को गौर करके एनालाइज कर लीजिएगा। और अगर बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, मोटिवेट कीजिए मुझे, ताकि मैं इस तरह के स्क्रिप्ट आपको बाइंग के लिए बताता रहूँ, वो भी अप्रूव्ड लेवल पे। अप्रूव्ड लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही इन्वेस्टर कमा सकता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और थोड़े दिनों में आप सबको मेरी बात समझ में आने लगेगी, जब धीरे धीरे आप लॉसेस से बाहर आने लगेंगे, प्रॉफिट अर्न करने लगेंगे। जिन भी स्क्रिप्ट्स में ज़्यादातर आप इन्वेस्ट करेंगे प्रॉफिट कमाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि सारे फंडे बेकार हैं, सिर्फ अप्रूव्ड बाइंग लेवल फंडा ही बेटर है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाने का। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे आ जाएगी बात समझ में, मुझे कोई जल्दी नहीं है, जैसे मैं बताता जाऊँगा आप एनालाइज करते जाइए और रिजल्ट अपने आप आपके सामने आता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल मेरे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।